नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनविंदर। जैसे जैसे विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, बीजेपी शासित राज्यों में पार्टी के अंदर अचानक से उठापटक तेज हो गई है। और देखिए, चाहे उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ हो, या फिर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, या फिर कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर बी एस येदियुरप्पा, बीजेपी के इन सभी मुख्यमंत्रियों की छवि को बट्टा लगाने वाली खबरों का सिलसिला चल पड़ा है और ये चर्चाएं कहीं थम नहीं रही हैं, लगातार इनमें इजाफा हो रहा है। उधर पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के अच्छे परिणाम नहीं मिलने के बाद तृणमूल कांग्रेस यानी कि टीएमसी छोड़ बीजेपी का रुख किए दिग्गज प्रदेश नेताओं को लेकर के भी तमाम तरह की अटकलें लगने लगी हैं। मुकुल राय और राजीव बनर्जी के बारे में तो चर्चा यहाँ तक है कि दोनों घर वापसी के लिए विचार कर रहे हैं, आखिर ऐसा क्यों है? और ये सब एक खास टाइम पीरियड में ही क्यों हो रहा है, क्यों ऐसी चर्चाएं हो रही है? ऑल ऑफ सडन इतनी बड़ी उठापटक क्यों होने लगी है, क्यों ऐसी खबरें आ रही हैं? चलिए सबसे पहले बात करते हैं उत्तर प्रदेश की। 5 जून को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जन्मदिन के मौके पर बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व की ओर से उन्हें बधाई नहीं दिए जाने के बाद इन अटकलों ने गर्मी लेनी शुरू की। योगी का स्टाइल मोदी शाह नहीं बल्कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के एक धड़े को भी ये अच्छा नहीं लग रहा। कहा तो ये भी जा रहा है कि बीजेपी 2022 के विधानसभा चुनाव में योगी को किनारा करने पे विचार कर रही है, लेकिन उसके सामने बहुत बड़ी उहापोह की स्थिति आई हुई है। योगी की मजबूत हिंदूवादी छवि ने उन्हें एक हद तक बीजेपी की मजबूरी बनाया हुआ है, तो दूसरी तरफ इससे सीधे प्रधानमंत्री मोदी को चुनौती मिल रही है। उधर पार्टी के विधायकों ने ही योगी के प्रति बढ़ते आक्रोश के दावे भी अब जोर पकड़ रहे हैं। दिसंबर 2019 में ही पार्टी के 200 विधायकों ने विधानसभा में धरना दे दिया था। तब गाजियाबाद के लोनी से विधायक नंदकिशोर गुर्जर के नेतृत्व में, उनकी लीडरशिप में विधायकों का एक बड़ा जत्था मुखर हो गया था। और अब भी कई विधायक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के तौर तरीकों से काफी खफा है, उनसे नाराज है। कोई पुलिस प्रशासन की वर्किंग को लेकर के, तो कोई ब्राह्मणों के प्रति भेदभाव को लेकर के नाराज है। विधायकों के अधिकारियों विधायकों के जो अधिकार हैं, जो उनके राइट्स हैं, उनकी नजरअंदाजी का मुद्दा उठा करके अपनी सरकार को घेरने में जुटा हुआ है। नाराज विधायक खुलकर मीडिया में बयान दे रहे हैं, वही कुछ ने तो सोशल मीडिया का सहारा ले रखा है, जबकि कुछ ऐसे भी हैं जो सामने नहीं आते लेकिन योगी सरकार के खिलाफ एक हवा सा बना रहे हैं, हवा सी तैयार कर रहे हैं। ऐसे नेताओं में गोरखपुर सदर के विधायक डॉक्टर राधामोहन दास से लेकर के सुल्तानपुर विधायक देवमणि द्विवेदी, सीतापुर शहर से विधायक राकेश राठौर, गोपा मऊ के विधायक श्याम प्रकाश आदि शामिल हैं। तो ये तो थी उत्तर प्रदेश की बात, और अब बात करते हैं मध्य प्रदेश की। मुख्यमंत्री शिवराज चौहान कोरोना की दूसरी लहर के मैनेजमेंट को लेकर के पार्टी के अंदर ही घिर गए हैं। ताजा लहर से राहत मिलते देख करके शिवराज सरकार ने ऑड इवन फॉर्मूले पर अनलॉक की प्रक्रिया का ऐलान किया, लेकिन बीजेपी के विधायकों ने ही सवाल खड़े कर दिए। सतना जिले के मेहर से पार्टी विधायक नारायण त्रिपाठी ने अनलॉक पॉलिसी के विरोध में सीएम को एक लेटर तक लिख दिया। यहाँ तक कि प्रदेश बीजेपी के कद्दावर नेता कैलाश विजयवर्गीय ने भी सरकार में कड़ा सवाल पूछ लिया। अप्रैल के आखिर में तो हद हो गई, जब बीजेपी के छात्र संगठन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की पूर्व प्रदेश मंत्री श्रेष्ठा जोशी ने एक फेसबुक पे पोस्ट लिखी और पोस्ट के जरिए मुख्यमंत्री के खिलाफ खुलेआम मोर्चा खोल दिया। उन्होंने राज्यपाल से शिवराज सिंह चौहान को मुख्यमंत्री पद से हटाने की मांग कर दी। बहरहाल प्रदेश की राजधानी भोपाल में बैठकों के दौर ने जो दौर चले, उन्होंने कयासों का बाजार और गर्म कर दिया। और अब बात करते हैं कर्नाटक की। तो कर्नाटक की बीएस येदियुरप्पा सरकार भी इंटरनल जो कलेश है, कलह है, उसे अपना पीछा नहीं छुड़ा पा रही है। वहाँ येदियुरप्पा को मुख्यमंत्री पद से हटाने की चर्चा गर्म हो गई है। हालांकि उनके समर्थक 65 विधायकों ने विरोधियों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, ये भी अपने आप में गलत बात है। उन्होंने पत्र लिख करके ऐसे विधायकों के खिलाफ एक्शन लेने की मांग की है जो अपनी गतिविधियों से सरकार के लिए एक परेशानी सी बन गए हैं, परेशानी का सबब बन रहे हैं।
येदुरप्पा के खिलाफ पार्टी के अंदर आक्रोश रह रह करके सामने आता है। अब अगर ताजा विवाद की बात करें तो फंड एलोकेशन को लेकर के पिछले साल एक मीटिंग हुई है, विधानसभा क्षेत्रों के लिए फंड एलोकेशन पे जो इंटरनल बैठक हुई, बीजेपी के कुछ विधायकों ने सीएम के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। फिर कैबिनेट विस्तार को लेकर के मुख्यमंत्री अपने विधायकों के निशाने पे आ गए। बात यहीं खत्म नहीं होती, सत्ता के गलियारों तक में ये चर्चा है कि यूपी, एमपी, कर्नाटक, बंगाल और बीजेपी के अंदर अचानक से इतना बड़ा घमासान क्यों शुरू हो गया है। और राजनीति के एक्सपर्ट ये जानते हैं कि चुनावी हवाओं में ऐसे सवाल उठते रहते हैं। आने वाले दिन काफी अहम है। आप बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए मेरा चैनल। और हाँ, अपनी कीमती राय मुझे जरूर देते रहें, आपको मेरा कंटेंट कैसा लगा ये भी मुझे बताते रहें। और दोस्तों, अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।